अरे दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट को, और अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या लिखा है। अ कंपनीज प्लांट प्रोसेसेस 1,50,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल इन अ मंथ टू प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट पी एंड क्यू। ठीक है, एक कंपनी है, वो 1,50,000 kg रॉ मटेरियल को प्रोसेस करती है और पी और क्यू दो टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। जब ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन जब भी हम करेंगे, मतलब इस चैप्टर को हम जब भी करेंगे, तो आपको डायग्राम बनाते चलना है। जैसे जैसे वो बोलता जाएगा, वैसे वैसे हमें डायग्राम बनाते चलना है। ठीक बात है, ओके। आगे लिखा है द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज 12 पर kg। ठीक है, द प्रोसेसिंग कॉस्ट फॉर द मंथ आर डायरेक्ट मटेरियल 90,000, डायरेक्ट वेजेस 1,20,000, वेरिएबल ओवरहेड 1,00,000, फिक्स्ड ओवरहेड 1,00,000। इन सबको मिलाकर उन्होंने क्या कहा है कि ये है आपकी प्रोसेसिंग कॉस्ट। ठीक बात है, आगे क्या लिखा है। द लॉस इन प्रोसेस इज 5% ऑफ इनपुट। अच्छा, जो भी हम इनपुट डालेंगे उसका 5% तो लॉस्ट हो जाएगा, और जो भी बचा हुआ आउटपुट होगा वो पी और क्यू में बट जाएगा, और किस प्रपोर्शन में होगा, 1:2 में। तो अगर हम इतनी बात करें तो इसको डायग्राम में हम कैसे दिखाएंगे, देख लेते हैं। आइए भाई, 1,50,000 kg माल आपने इंसर्ट करा किस रेट से, 12 रुपए के हिसाब से, तो अमाउंट कितना आ गया, 18 लाख। तो कुल मिलाकर ₹18 लाख का तो आपका हो गया रॉ मटेरियल। फिर उसको प्रोसेस करने में जो आपने खर्चा लगाया उसका टोटल आ रहा है 4,10,000, 4,10,000। तो रॉ मटेरियल हो गया कितने का, 18 लाख का, और प्रोसेसिंग करने का खर्चा है 4,10,000। तो इन दोनों का टोटल करते हैं तो इट कम्स टू ₹22,10,000। ठीक है, ये हो गई आपकी ज्वाइंट कॉस्ट। क्यों, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, ज्वाइंट प्रोसेस कर रहे हो। ठीक है, फिर अपन आ गए कहां पर, अपने स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर। वहां पर दो प्रोडक्ट बने, पी और क्यू। ठीक है, लेकिन ये पी और क्यू कब बनेंगे, 5% का लॉस होने के बाद। तो आप चेक कर लीजिए, जब आप 1,50,000 में से 5% घटाएंगे, जब आप 1,50,000 में से 5% घटाएंगे तो ये बचता है 1,42,500। आप कैलसी पर चेक कर लीजिए, 1,42,500 मतलब 1,42,500। इसको आपको 1:2 के प्रपोर्शन में बांट देना है। क्यों सर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो अगर आप 1,42,500 को 1:2 में डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये आता है 47,500 kg पी का और 95,000 क्यू का। ठीक बात है, इतना क्वेश्चन ने अभी तक हमें बता दिया है। ठीक बात है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या लिखा है, अभी आगे लिखा है दोनों जो प्रोडक्ट होंगे वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर बिक सकते हैं। पी बिक सकता है 12 रुपए पर kg के हिसाब से और क्यू बिक सकता है 20 रुपए पर kg के हिसाब से। तो भाई पी और क्यू दोनों स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर बिक सकते हैं। आप भूले तो नहीं स्प्लिट ऑफ पॉइंट कौन सा कहलाता है, ये वाला। ठीक है, तो जैसे ही दोनों प्रोडक्ट, जिस पॉइंट पर दोनों प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं वो कहलाता है स्प्लिट ऑफ पॉइंट है। तो अगर आप यहां पर बेचे तो उन्होंने कहा है कि जो पी है वो 12 के हिसाब से बिक सकता है और जो आपका क्यू है वो 20 रुपए के हिसाब से बिक सकता है। हमने कहा ठीक है, अगर इस हिसाब से देखें तो उनकी सेल्स वैल्यू भी ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। 47,500 × 12 करेंगे तो आ जाएगा 5,70,000, और यदि 95,000 × 20 करेंगे तो आ जाएगा 19 लाख। ठीक बात है, इतना तो क्वेश्चन ने हमें बता दिया। तो डायग्राम हम इस तरीके से बनाएंगे कि दोबारा हमें क्वेश्चन देखना ही नहीं पड़ेगा। बस एक बार क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम बनाओ, बस फिर उसी से पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। आगे क्या लिखा है भाई, आगे लिखा है अपन कहाँ गए थे, द एंटायर, सॉरी यहां से, द अ प्रपोजल इज अवेलेबल टू प्रोसेस पी फर्दर बाय मिक्सिंग इट विथ अदर परचेस्ड मटेरियल। अच्छा, हमारे पास एक प्रपोजल है कि हम चाहे तो पी को फर्दर प्रोसेस करके भी बेच सकते हैं। ये प्रपोजल क्यू में अवेलेबल नहीं है, केवल पी में अवेलेबल है कि या तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर बेच दो या फिर आप इसे फर्दर प्रोसेस कर दो। ठीक है भाई, द एंटायर करंट आउटपुट ऑफ द एंटायर करंट आउटपुट ऑफ द प्लांट कैन बी सो प्रोसेस्ड फर्दर टू ऑप्टेन अ न्यू प्रोडक्ट एस। अच्छा, हम पी को फर्दर प्रोसेस करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो यहां पर देखो आप, पी से हम क्या बन जाते हैं, एस बन जाएंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा है, द प्राइस पर केजी ऑफ एस इज ₹15। अच्छा, इसका प्राइस क्या होगा, 15 रुपये होगा, जबकि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर कितना था, 12 रुपये था। भाई फर्दर प्रोसेस करोगे तो वैल्यू और बढ़ जाएगी प्रोडक्ट की, है ना। ओके, फिर लिखा है ईच केजी ऑफ आउटपुट ऑफ एस विल रिक्वायर 1 kg ऑफ इनपुट ऑफ पी।
अच्छा 1 kg पी लगाएंगे तो 1 kg एस बनेगा। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि अगर 47,500 kg को आप फर्दर प्रोसेस करेंगे तो 1 kg पर 1 S बनेगा, 1 kg पर 1 S, तो एक तरीके से 47,500 kg ही आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट बन जाएगा। 47,500 kg को आप फर्दर प्रोसेस करेंगे तो 47,500 kg ही आपका आउटपुट आ जाएगा, एस बन जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। और इसका प्राइस क्या होगा, 15 रुपये के हिसाब से होगा, तो यहाँ की जो सेल्स वैल्यू है वो भी निकल जाएगी। ठीक बात है। और क्या बचा भाई क्वेश्चन में, आगे लिखा है द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ पी इंटू एस। अच्छा पी को एस बनाने में कितना खर्चा लगेगा इंक्लूडिंग मटेरियल, 1,85,000 पर मंथ, 1,85,000 का खर्चा होगा। मतलब आपकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी हो गई, 1,85,000। तो ये लिख दिया आपका फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 1,85,000। तो देखा जाए तो पूरा क्वेश्चन एक छोटे से डायग्राम में हमने बनाकर रख दिया है। अब पूछते हैं क्वेश्चन से कि भाई तुमको चाहिए क्या। देखो क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द मंथली प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड बोथ ऑन द एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस एंड ऑन फर्दर प्रोसेसिंग। अच्छा आपको प्रॉफिट बताना है एग्जिस्टिंग कंडीशन में भी और फर्दर प्रोसेस के बाद भी। इन सिंपल वर्ड्स आपको विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग भी प्रॉफिट बताना है और आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग भी प्रॉफिट बताना है। और फिर आपसे पूछा है बताइए आप क्या रिकमेंड करेंगे, फर्दर प्रोसेसिंग रिकमेंड करेंगे या विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग ही चलना चाहिए, है ना। तो ये तो प्रॉफिट निकलने के बाद पता चलेगा। तो भाई क्वेश्चन को तो हमने ऐसा प्रॉपर डायग्राम में बना लिया है, अब हमें निकालना है प्रॉफिट। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है भाई हमारी, रिक्वायरमेंट नंबर 1, प्रॉफिट विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो बिना फर्दर प्रोसेसिंग के प्रॉफिट क्या होगा, तो ये हो गया हमारे प्रोडक्ट पी और क्यू। ठीक है भाई, सबसे पहले प्रॉफिट निकालना है। तो भाई प्रॉफिट मतलब क्या होता है, सेल्स माइनस खर्चा, सेल्स माइनस खर्चा, सेल्स में से कॉस्ट घटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो पहली बात कर लेते हैं सेल्स की, सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट कितना है, 5,70,000 और 19 लाख। सर ये कहां से आया देख लो ना बेटा, 47,500 12 करा था तो ये आया था 5,70,000। भाई फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे तो फिर पी के रूप में ही प्रोडक्ट बिक जाएगा, तो यहाँ की सेल हो जाएगी 5,70,000 और ये हो रही 19 लाख। तो ये लिख दिया अपन ने 5,70,000 और 19 लाख, ये हमारी सेल्स हो गई है ना, ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट की सेल्स है। अब सवाल है कि कॉस्ट कितनी होगी, तो सर कॉस्ट तो हमें इन टोटल दी है, देखो अपन ने डायग्राम में लिखी थी 18 लाख और 4,10,000, टोटल आई थी 22,10,000, लेकिन प्रॉफिट तो हमें दोनों प्रोडक्ट का अलग अलग निकालना है, तो फिर तो हमें ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना पड़ेगा। हाँ सर, वैसे भी इस चैप्टर का मेन थीम क्या है कि ज्वाइंट कॉस्ट को आप अलग अलग प्रोडक्ट में, मतलब ज्वाइंट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करो, मेन थीम तो यही है, तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन सर इसमें ये तो बताएगी कि कौन सी मेथड से हम इस ज्वाइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करें, कौन सी मेथड से हम इस ज्वाइंट कॉस्ट को बांटें। तो भाई आज से दिमाग में बिठा लो कि अगर कोई मेथड ना दी हो तो हमें सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही बांट देना है ज्वाइंट कॉस्ट को। मतलब हम 5,70,000 और 19 लाख के प्रपोर्शन में क्या करेंगे, ज्वाइंट कॉस्ट को बांट देंगे। तो चलिए आ जाइए एक वर्किंग नोट बनाते हैं, एक वर्किंग नोट हमारा ये रहा, वर्किंग नोट 1, अलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट यूजिंग सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड। क्योंकि कोई मेथड नहीं दी थी तो हमने ये मेथड को प्रेफर करा और इसी मेथड को प्रेफर किया जाता है। तो भाई प्रोडक्ट पी और क्यू, उनकी सेल्स वैल्यू क्या है, 5,70,000 और 19 लाख। ठीक बात है साहब, अब क्या करना है, टोटल हो रहा है 24,70,000। इसी प्रपोर्शन में, मतलब 5,70,000 और 19 लाख के प्रपोर्शन में आपको क्या करना है, पूरी ज्वाइंट कॉस्ट को बांट देना है। तो देख लीजिए 24,70,000 टोटल सेल है, उसमें पी की सेल है 22,10,000, सॉरी 5,70,000, और कॉस्ट को बांटना है तो 22,10,000 की कॉस्ट को हम बांट देंगे। तो सिंपल शब्दों में वापस बोलता हूं, देखो 24,70,000 की सेल्स है टोटल, है ना, और टोटल ज्वाइंट कॉस्ट है 22,10,000, तो 5,70,000 की सेल की ज्वाइंट कॉस्ट क्या होगी। मतलब सिंपल है यार, सिंपल है, आपको क्या करना है, ज्वाइंट कॉस्ट को 5,70,000 और 19 लाख के प्रपोर्शन में बांटना है, ये आपको मेरे हिसाब से आता है ना। 24,70,000 की ज्वाइंट कॉस्ट इतनी है तो 19 लाख की कितनी होगी, है ना, तो आ गया 5,10,000 और 17 लाख, टोटल 22,10,000 को हम बांट चुके हैं। अब क्या करेंगे साहब, अब इन ज्वाइंट कॉस्ट को उठाकर क्या करेंगे, हम यहाँ पुट कर देंगे, देखो 5,10,000 और 17 लाख। तो अब सेल्स में से जैसी ज्वाइंट कॉस्ट को हम डिडक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 60,000 ये आ गया और 2 लाख ये आ गया।
तो भाई बिना फर्दर प्रोसेस करे जो प्रॉफिट है वो कितने हैं, 60,000 और 2 लाख। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आगे। रिक्वायरमेंट वन तो हमारी कंप्लीट हुई, रिक्वायरमेंट टू क्या थी? प्रॉफिट इन केस ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग, मतलब इफ वी ऑप्ट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग तब क्या प्रॉफिट होगा। ठीक है भाई, वो भी देख लेते हैं। अब देखो पी की जगह नाम क्या आ गया, एस, क्योंकि भाई फर्दर प्रोसेस होगा तो पी क्या बन चुका होगा, एस। और रही बात क्यों की, वो तो फर्दर प्रोसेस हो ही नहीं रहा है, तो पी की जगह आ गया एस और क्यू की जगह तो क्यू ही रहेगा। ठीक है भाई, अब क्या है सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, तो देख लेते हैं। ये 71,25,000 कहां से आया सर? सिंपल है यार, देखो 47,500 केजी है आपका एस और 15 के हिसाब से बिकेगा, तो 47,500 × 15 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 71,25,000 आ जाएगा। ठीक है साहब, बहुत अच्छा। और क्यू की बात करें तो वो कितना है, 19 लाख, तो वो तो गिवन ही है ना। अच्छा अपन एक बार इसको चेक कर लेते हैं, 47,500 को मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ 15 से कितना रहे। अच्छा 7,12,500 आ रहे भाई, ये इसके लिए माफी चाहूंगा, इस 7,12,500 है, वही मुझे लगा सेल कुछ ज्यादा ही हो गई है ना। तो 7,12,500 एस की सेल आ जाएगी और क्यू की सेल आ जाएगी 19 लाख। ठीक है, अब खर्चे घटाना है तो एस में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी, क्यू में तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि क्यू को तो हमने फर्दर प्रोसेस किया ही नहीं है। तो एस में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 1,85,000। सर ये कहां से आई, देखो ना ये लिखी थी भाई, पी को अगर आप एस बनाओगे तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 1,85,000 आएगी, तो पहले हमने वो घटा दी। फिर ज्वाइंट कॉस्ट हम पहले ही निकाल चुके थे, 5,10,000 और 17 लाख, ये निकाली थी ना देखो वर्किंग नोट में, 5,10,000 और 17 लाख। ठीक है, तो ये घटा दी तो प्रॉफिट आ गया आपका 17,500 और 2 लाख। अब देख लेते हैं सब कि प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है फर्दर प्रोसेसिंग। तो आप देख लो क्यू में तो कोई केस है ही नहीं क्योंकि इसको तो फर्दर प्रोसेस कर ही नहीं है, तो यहां भी 2 लाख दिख रहा होगा आपको बिना प्रोसेसिंग फर्दर प्रोसेसिंग के, और यहां भी 2 लाख। बात कर लेते हैं पी की, तो पी को विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग प्रॉफिट कितना आ रहा था, 60,000, और फर्दर प्रोसेस करने के बाद कितना आ रहा है, 17,500। तो भाई अगर आगे बढ़ने से हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है तो आगे बढ़ना सही नहीं है। ठीक बात है, प्रॉफिट कम आ रहा है तो क्या बोलेंगे, कंपनी शुड नॉट गो फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट पी इंटू एस, पी को एस मत बनाओ भाई, पी के फॉर्म में बेचोगे तो ज्यादा अच्छा है। तो ये था भाई, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके।